नमस्कार, मैं साइली धाड़वे। वालियू, वाकनपाड़ा, धानियूबाग, इन जगहों पर अवैध तरीके से इंडस्ट्रीज बनाई गई है और अगर ऐसा ही अवैध बांधकाम चालू रहा तो एक दिन बड़ा ब्लास्ट हो सकता है और इस ब्लास्ट के शिकार कई लोग हो सकते हैं। हम ब्लास्ट क्यों कह रहे हैं ज़रा समझिए। अक्सर इन लीगल जगहों पर इंडस्ट्रीज एक दूसरे से सटी होती है क्योंकि इंडस्ट्रीज एरिया में भट्टी, तमाम तरह की मशीनरीज और ज्वलनशील वस्तु होने के चलते आगजनी होती है और आग पर काबू पाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे कई घटना हमारे सामने आई है। कई बार बॉयलर ब्लास्ट हुआ है तो कई बार एक शॉर्ट सर्किट के वजह से पूरी कंपनी जलकर खाक हुई है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले को विस्तार से। आपको बता दें कि बीते दिनों नालसोपारा पूर्व के वाकनपाड़ा इलाके में एक एलईडी कंपनी में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि आग पर काबू पाने में लगभग 6 घंटे की मशक्कत करनी पड़ी। और आपको बता दें कि उस इलाके में कम से कम छोटे बड़े 500 से अधिक कंपनियां हैं। कई कंपनियों के पास उचित दस्तावेज नहीं है, फायर ऑडिट रिपोर्ट और फायर एनओसी भी नहीं है। रातों रात वहां पर कंपनियां खड़ी हो जाती है लेकिन महानगर पालिका द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता। सिर्फ वाकनपाड़ा ही नहीं बल्कि वसई विरार में जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है हर जगह यही हाल है। फिर चाहे वो वाली हो या धानियूबाग हो या और कोई जगह हो, इन लीगल होने के बावजूद भी महानगर पालिका इन सब चीजों को बढ़ावा देती है। और दूसरी तरफ फायर ऑडिट और फायर एनओसी न होने के चलते विजय वल्लभ जैसी घटना और रामा इंडस्ट्रीज जैसी घटना सामने आती है। रामा इंडस्ट्री के अलावा इंडस्ट्रियल एरिया में और भी कई ऐसे हादसे हुए हैं। रामा कंपनी में इलेक्ट्रिकल सामान रखा गया था जिससे आग ने भीषण रूप ले लिया। इसकी चपेट में अन्य 2 कंपनियां भी आ गई। आग काफी भीषण थी जिससे लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ क्योंकि व्यापार और धन के लिए लोग क्या कुछ कर सकते हैं वो नालासोपारा के इन इलाकों को देखते हुए आप अंदाजा लगा सकते हो। महानगर पालिका के आंखों के सामने आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं लेकिन महानगर पालिका के लिए धन के आगे किसी के जीवन का क्या ही मोल है। खैर, अगर इनलीगल इंडस्ट्री पर तत्काल बुलडोजर नहीं चलाया गया तो आगे जाके और भी हादसे हो सकते हैं और भी कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। अभी के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।